टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा अपने बेटे समर की बारात निकालती है और सबके लिए बेच लेके आती है, जिसके बाद बा सबको चांदी के छल्ले देती है। बा कहती है कि चांदी के छल्ले पहनने से मन शांत रहता है। तब बाबूजी कहते हैं कि ऐसी बात है तो तू अपनी सारी उंगलियों में चांदी के छल्ले पहन ले। बा कहती है कि उसकी जरूरत मुझे नहीं, डिम्पी ड्रैगन को पढ़ने वाली है जो आते ही कोहराम मचा देगी। दूसरी तरफ डिम्पी दुल्हन बनकर तैयार हो गई है, लेकिन उसे तभी बा का ख्याल आता है। वो खुद से कहती है कि आगे का रास्ता कठिन होने वाला है, इसलिए लड़ना है लेकिन प्यार से। तभी डिम्पी की बात को बरखा सुन लेती है और उसे पूरी तरीका से भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि साहब परिवार में अच्छी बहू दिखना लेकिन बनना मत। अब अनुपमा कितनी अच्छी बहू थी, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, वो भी वहाँ नहीं दिख पाई अच्छी बहू बनने के चक्कर में। बेवकूफ तो बिल्कुल मत बनना और बा को कभी अपने सिर पर नाचने मत देना। अब इसके आगे आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ एक तरफ साह हाउस में खुशियों का माहौल है, वहीं डिम्पी वहाँ जाकर खुशियों को मातम में बदलेगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।